आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। एमपीपीएससी 2020 सहित प्रदेश की समस्त आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु की गणना में कोविड 19 काल को संगणित किए जाते हुए दो वर्ष की आयु सीमा बढ़ाए जाने की मुख्यमंत्री से मांग की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2020 को राज्य लोक सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2021 से करने का प्रावधान है। विदित हो कि यह परीक्षा वर्ष 2020 में संपादित हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, कोविड 19 महामारी और न्यायिक विवाद के कारण मध्य प्रदेश में पिछले दो वर्षों से परीक्षाएं संपादित नहीं की जा सकी हैं, जिसमें न तो आयोग या सरकार का कोई दोष है और न ही अभ्यर्थियों का। उपरोक्त अवरोधों के कारण न सिर्फ लोक सेवा आयोग के कार्यों में बाधा आई है, बल्कि अभ्यर्थियों को भी अभूतपूर्व संयम का परिचय देना पड़ा है। लेकिन आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से करने के कारण कई अभ्यर्थी वर्दीधारी पदों के लिए तो कई परीक्षा में भागीदारी के लिए ही अयोग्य हो रहे हैं। ऐसे में विकल्प के तौर पर या तो आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जा सकती है या एक अन्य नोटिस द्वारा सभी तरह की आयु संबंधी गणना में दो वर्षों की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जा सकती है। विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एमपीपीएससी 2020 सभी वर्दीधारी पदों सहित आगामी समस्त परीक्षाओं की आयु गणना में दो वर्षों की उम्र सीमा बढ़ाई जाए। हमने मध्य आज माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को संबोधित और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को एक संबोधित ज्ञापन पत्र दिया है। ज्ञापन पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि एमपीपीएससी 2020 सहित प्रदेश की समस्त जो आयोजित परीक्षाएं होने वाली थी उसमें प्रतियोगी परीक्षाएं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणना आयु की गणना की जा रही थी वो आयु की गणना 2020 से की जा रही थी। तो हम जो भी विज्ञापन अभी जारी हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, जैसे वन का, एमपीपीएससी का, लोक सेवा आयोग का, तो हमने इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन पत्र दिया है कि इस कोविड कार्यकाल में जो भी आयु की गणना की जा रही, दो वर्ष कोविड का कार्यकाल था, इसमें कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। यह आरोप मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं लोक सेवा आयोग पर नहीं लगाना चाहता और ना ही अभ्यर्थियों पर। या अभ्यर्थियों की माने तो अभ्यर्थियों ने कितने साहस, कितनी शिष्टाचार, कितनी सभ्यता के साथ यह परिचय दिया है, तो निश्चित तौर से ये दो वर्ष के अंतराल में लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार हैं वह आयु पूरी कर चुके होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये दो वर्ष की आयु की जो गणना है, जो आयु उम्र है, वो बढ़ाई जानी चाहिए और दो वर्ष की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इस 2020 से जो गणना की जा रही है वह गणना 1/1/2021 से होनी चाहिए। इसलिए 2021 में गणना होने के बाद कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा आयोजित, आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें एक अवसर मिल जाएगा और उनका हित हो जाएगा। तो बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से इस विषय को उठा रहे हैं कि गंभीरता से इस कैबिनेट में इस विषय को लाना चाहिए और जो गणना की जा रही है दो वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से यह ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए।